हुआ ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल 16। टू स्मॉल बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg आर केप्ट एट रेस्ट एट सेपरेशन 2 meter। वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg बी प्लेस्ड टू एक्सपीरियंस नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम दिस बॉडीज। द पार्टिकल इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। वट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 particles विथ यूजुअल रेफरेंस लेवल। तो यहाँ पे 2 particles हो गया मासेस, ये 2 kg होगा, दूसरा पार्टिकल ऑफ मास 4 kg होगा, और हमें क्या करना है, तीसरा पार्टिकल जिसका मास m होगा ये इस सिस्टम में रखना है, और उस पर कोई भी फोर्स, वहां पे जो फोर्स एक्ट होगा उस पार्टिकल पर इस सिस्टम के कारण, वो 0 होना चाहिए। अब अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ पे रखेंगे तो न्यूटन्स लॉ से हर बॉडी एक दूसरे बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि दूसरी बॉडी यहाँ पर रखने के बाद उस पर एक्ट होने वाला फोर्स 0 होगा। तो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जब उस पर एक्ट होने वाले सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि ये पार्टिकल अगर यहाँ पे रख देते हैं तो इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों की एडिशन 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा, मतलब वो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तभी एक दूसरे को वो कैंसिल कर पाएंगे। तो ये बॉडी यहाँ पे दूसरा एक पार्टिकल रखा, तो ये बॉडी क्या करेगी, उसके डिरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करेगी। ये बॉडी भी क्या करेगी, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करेगी, मतलब दोनों बॉडी उसे लेफ्ट साइड में खींच रही है, तो वो फोर्स ऐड होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो वो 0 फोर्स नहीं आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे तो नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते। यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा, ये बॉडी उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसकी तरफ फोर्स अप्लाई करेगी, ये बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, तो ये फोर्स को ऐड होगा, मतलब ये बॉडी के दोनों साइड में नहीं रख सकते। अगर इसके इन बिटवीन रखा तो ये बॉडी क्या करेगी, उसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, और ये बॉडी क्या करेगी, उसे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये अपोजिट फोर्स तो हो गया, अपोजिट फोर्स तो हो गया, तो अभी उनका कैंसिल इफेक्ट होने के लिए हमारा उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना है, मतलब अब ये फोर्स हो, उसका मास ज्यादा, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, तो क्या करना चाहिए, इस पार्टिकल को थोड़ा सा इससे दूर रखेंगे तो ये फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो और इसका मास कम है तो उसके पास रखेंगे, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ये फोर्स यहाँ पे इसके कारण F1, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके कारण जो भी फोर्स होगा एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, और उनकी एडिशन रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एफ नेट क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये F1 फोर्स प्लस दूसरा फोर्स, ये दोनों की एडिशन 0 होनी चाहिए, मतलब ये F1 फोर्स होना चाहिए इक्वल टू F2 फोर्स, और ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब इनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। अब इनके मैग्नीट्यूड सेम, तो ये दो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला पता है हमें, ये क्या होता है, जी इसका मास 2 kg इंटू इसका मास, अगर ये एम लेते हैं तो, डिवाइडेड बाय ए डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस 2 meter है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 2 - x meter, तो ये डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस बीच में है उनके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फोर्स कितना आ जाएगा, अब मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जी इसका मास है 4, और ये जो पार्टिकल रख रहे हैं हम इसका मास दे, लेकिन हम एम ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 - x, तो इसका स्क्वायर 2 - x इसका स्क्वायर। तो चलो देखो, ये एम चला गया, ये जी भी चला गया, और ये 2 to the 4, तो यहाँ भी क्या रख बचा, 1/x², और इज इक्वल टू यहाँ पे 2/2 - x². तो क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो इस साइड का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/x, और इस साइड का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट 2, और इसका आ जाएगा 2 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, तो ये यहाँ पे चला गया, तो 2 - x, और ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये √2x। अब x साइड को एक साइड में ले लेते, तो ये 2 रहेगा,
एक्स को उस साइड में भेज देते, तो एक्स प्लस रूट टू एक्स, अब एक्स को कॉमन लेते हैं तो ये रहेगा वन, और एक्स को कॉमन ले लिया। अब हमें एक्स ही फाइंड करना, डिस्टेंस ही फाइंड करना, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस रूट टू। अब रूट टू की वैल्यू कितनी होगी, रूट टू की वैल्यू थी 1.414, तो रूट टू की वैल्यू पुट करते हैं 1.414, और ये 1 प्लस 1 2, तो ये 2.414, तो इस 2 को डिवाइड करना है हमें 2.4 से, तो ये 2 को अगर हम 2.4 से डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल चला गया, तो ये 24, तो यहाँ पे 20 आ जाएंगे, तो ये 24 8 192, इस तरह से ये डिवीजन कर दी है, तो ये x आ रहा है 0.83 मीटर। तो इस डिस्टेंस पर कहाँ से, फ्रॉम 2 केजी 0.83 मीटर पर रखने पर उस पर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इस क्वेश्चन को अटैच्ड एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स। तो 3 पार्टिकल यहाँ पे 2 केजी वाला, 4 केजी वाला और यहाँ पे 0.1 केजी वाला पार्टिकल है, 3 पार्टिकल की सिस्टम और इनके बीच में डिस्टेंस अभी हमने फाइंड कर दिया है, तो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी इंटू पहला एक पार्टिकल का मास इंटू दूसरे पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे 3 पार्टिकल के कारण यहाँ पे 3 पेयर होगी, इसके 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, मतलब जी इसका मास इंटू इसका मास डिवाइडेड बाय ए डिस्टेंस, प्लस अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये जी इंटू दिस मास और ये डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और एक पेयर होगी जी इंटू दिस मास और डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, और ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है, तो हर किसी को माइनस साइन दे दिया, वो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो जी भी हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये जी कॉमन ले लिया, उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹¹ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। बच गया है एक ब्रैकेट में ए, बाकी टर्म तो ए एम वन इसका मास 2 और ए होता है 0.1 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस हमने अभी फाइंड किया पार्ट ए में। उसी तरह से ए एम टू 4 केजी, एम 0.1 केजी और इनके बीच का डिस्टेंस 2 − 0.83, इनकी सब्ट्रैक्शन करके ये आता है 1.17, प्लस जी तो बाहर ले लिया, ए एम वन 2 और ए एम टू 4 और इनके बीच में डिस्टेंस है ये 2 का, तो इस तरह से कैलकुलेशन अभी करेंगे, तो एक कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 0.2 और 0.2 को इसने इसे डिवाइड किया तो ये आया 0.241, अब इसे डिवाइड किया तो ये आया 0.4 और इसे ये गया तो ये आया 4। इनकी एडिशन करने के बाद जैसे कि ये 4 + 2 = 6 और ये 4, तो इनकी एडिशन ये आ गई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आता है 30 समथिंग, तो ये 30.9 लिख दिया × 10⁻¹¹ और इसे यहाँ पे डेसिमल लाया तो ये 3 और 10⁻¹⁰, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।